अब मैदा पर जब लोड पड़ता है तो मैदे से क्या खराबियां पैदा होती हैं? ये ओवरलोड होने की वजह से और इसके अंदर जो गोश्त जा रहा होता है, इसको हज़म करने के लिए इसको तेज़ाब निकालना पड़ता है मैदे को, एसिड, ख़तरनाक वो एसिड होता है कि वो गोश्त को गला देता है और उसको टुकड़ों में तकसीम कर देता है, छोटे छोटे उसके पीस बना देता है। इसके लिए एक म्यूकस की लेयर, इस तरह की हमारी थूक होती है ना, इसी तरह गाढ़ा एक थूक होता है जो कि पूरी चारों दीवारों में मैदे के चढ़ा हुआ होता है। अब क्या हुआ कि इसका बैलेंस आउट हो गया, म्यूकस जो था वो कम था और एसिड ज़्यादा निकला। अब वो एसिड जो होता है उस म्यूकस को वो उसको रोक नहीं पाता। अब वही जो तेज़ाब है गोश्त को भी गलाने के साथ साथ मैदे को भी जलाना शुरू कर देता है। अब फिर जो है ना वो जलन और तेजाबिया और उसके ऊपर फिर कोल्ड ड्रिंक और यानी कि मैदे को आपने फुला दिया कि और तेजाब। कोल्ड ड्रिंक को ये समझते हैं कि आग पर पानी डालना है, आग पर पानी डालना है, आग पर मिट्टी का तेल डालना है। कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो मशहूर है कि हजम करती, ये लोगों ने मशहूर कर रखा है पीने के लिए, शायद ये बेचने वालों ने मशहूर कर रखा हो। बाज कोल्ड ड्रिंक का तो नाम भी लेते हैं यार, ये तो हाजमेदार होती है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।